यस सर। ओके, तो जैसे ही आप रिएक्ट का ऐप क्रिएट करोगे, क्या कमांड होती है रिएक्ट का ऐप क्रिएट करने के लिए? npm create hyphen react hyphen app and icon, ठीक है। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे, एक फोल्डर स्ट्रक्चर आपको रिएक्ट बना के देगा खुद से, जिसके अंदर आपकी तीन फाइल्स रहेंगी, मेन नोड मॉड्यूल पब्लिक एंड SRC, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी फाइल आती है, गिट की फाइल आती है, जिसमें हम git.gitignore करके होती है, उसमें हम वो सारी फाइल डाल सकते हैं जो हमें GitHub पे पुश नहीं करनी है वाइल पुशिंग पुशिंग एप्लीकेशन, ठीक है। जब भी हम एप्लीकेशन का कोड पुश करेंगे गिट के ऊपर, तो जो जो फाइल हमें गिट इग्नोर में डालेंगे वो गिट के ऊपर हमारी पुश नहीं हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन की फाइल नहीं जाती है, ठीक है। क्रेडेंशियल्स की फाइल नहीं जाती है गिट के ऊपर। पैकेज डॉट जेसन होता है यहाँ पे, पैकेज डॉट जेसन नोड पैकेजेस की तरह वर्क करता है। जो भी पैकेजेस हम इम्पोर्ट करते हैं हमारे रिएक्ट के अंदर, वो उन सभी पैकेजेस की एंट्री हमें यहाँ मिल जाती है। पैकेज लॉग डॉट जेसन में हमें सारे पैकेजेस के वर्जन मिलते हैं, किस किस वर्जन पे हमारे एप्लीकेशन सपोर्ट कर रही है किस किस पैकेज को, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देती है, रीड में फाइल बना के देती है जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन रहता है। तो हमारी थ्री मेन फाइल्स रहती है, उसमें फर्स्ट क्या रहती है, हमारी नोड मॉड्यूल्स रहती है जिसके अंदर हमारे मॉड्यूल्स रहते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? सर क्लासेस जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये है इन सिंपल टर्म्स, मॉड्यूल इज अ पीस ऑफ रीयूजेबल जावास्क्रिप्ट फॉर इट कुड बी अ डॉट जेएस फाइल और डायरेक्टली कंटेन डॉट जेएस फाइल, यू कैन एक्सपोर्ट द कंटेन दिस फाइल एंड यूज देम इन अदर फाइल्स। सो मॉड्यूल क्या होते हैं, चंक्स ऑफ कोड होते हैं, ठीक है, जो कि रीयूजेबल कोड्स रहते हैं जिनको हम मल्टीपल टाइम्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रीयूज कर सकते हैं। सो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, ड्राई की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। मॉड्यूल्स के अंदर क्या लिखे हुए रहते हैं, कोड्स लिखे हुए रहते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं अक्रॉस अवर एप्लीकेशन। तीन टाइप के नोड मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्ट इन होते हैं, लोकल होते हैं और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं। बिल्ट इन में क्या क्या आते हैं, हमारे HTTP URL path FS OS वाले, ठीक है। देन रिक्वायर मॉड्यूल्स आते हैं बिल्ट इन में, जो कि हम किसी भी फाइल को रिक्वायर कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। एक्सपोर्ट आते हैं जिससे कि हम फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या किसी भी फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अक्रॉस एप्लीकेशन। जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे उन सभी में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड पार्टी आते हैं जो कि हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल करके जो हम पैकेज लगाते हैं जिनकी एंट्री हमारे पैकेज डॉट जेसन में होती है, वो सारे हमारे इसके अंदर आते हैं थर्ड पार्टी के अंदर। देन हमें क्या मिलता है, एक पब्लिक फोल्डर मिलता है जिसके अंदर यहाँ पे आइकॉन्स है, कुछ फाइव आइकॉन है, index.html लोगो है, लोगो फाइव लोगो, देन फिर लोगो है, देन manifest.json है, देन txt फाइल है। अब मेन जो हमारा इंडेक्स है वो कहाँ पे मिलती है हमें, पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर जो हमारा index.html है, ये हमारी मेन वाली फाइल है, के अंदर से ही हमारी सारी एप्लीकेशन का कोड रेंडर होता है। यहाँ पे डिव दिख रहा है आपको, डिव के ऊपर आईडी लगी हुई है रूट। अब ये रूट के अंदर ही हम सारी चीजें हमारी अपेंड करेंगे वर्चुअल डोम के हेल्प से, ठीक है। देन हमें क्या मिलता है, SRC मिलती है जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं अपने अलग अलग नेम से, ठीक है। app.js, index.css, index.js, name.js, ये अभी हमने बनाया, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, देन app में जो हमने बात की कि index.html में div के अंदर सारा हमारा कोड असाइंड होगा UI का, HTML का, ठीक है। तो वो कैसे होता है,
वो हमें एसासी के अंदर एक फाइल मिलती है index.js करके, यहाँ पे जो हमारा React DOM है वो रेंडर करता है document.getElementById से रूट को, ठीक है, देन रूट के अंदर ही हम हमारा सारा कोड लिखते हैं। ऐप यहाँ पे दिख रहा है, ऐप का पाथ है आपका, ऐप को ऐप का पाथ कैसे दे रखा है, इंपोर्ट कर रखा है ऐप, देन ये अगर मैं यहाँ से ऐप हटा दूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आपको लोगो रोटेट होता दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरा ऐप से आ रहा है, app.js से, यहाँ से अगर मैं ये पूरा कोड हटाऊंगा तो यहाँ पे H1 में मेरा नेम लिख दूंगा, या हेलो लिख दूंगा, तो यहाँ पे npm start तो यहाँ पे मेरा ऐप रन हो गया, चेंज तक है क्या, यस तक विजिबल है, यस सर विजिबल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा सारा कोड हटाया, अगर मैं इसको सेव करूंगा देन फिर से रिएक्ट का लोगो आ जाएगा, यहाँ से ये कोड हटाने के बाद अगर मैं कुछ भी HTML का कोड लिखूंगा तो ये मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये ऐप कहाँ से रेंडर हो रहा है, ऐप मेरा डायरेक्ट रेंडर तो हो नहीं रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से फंक्शनैलिटी मिली है तभी ये रेंडर हो रहा है, तो इसको कौन फंक्शनैलिटी दे रहा है, index.js, जहां से हमने document.getElementById से रूट को फेच किया था एंड रूट के अंदर ही हम सारा अपना HTML का कोड अपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर रखा है, इम्पोर्ट कर रखा है ऐप को फ्रॉम डॉट ऐप, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको शो करा रखा है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे यहाँ से हम इसको कमेंट करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक पेज मिलेगा। अब हमारा ऐप क्या हो रहा है, रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दो चीज सीखो कि हम कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं और रेंडर कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हमें कंपोनेंट बनाना है तो SRC के अंदर हमें जाना है एक न्यू फाइल को क्रिएट करने में, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, hello.jsx, mm-hmm.
अब हमें इसे इंपोर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे, इंपोर्ट लिखेंगे, हेलो लिखेंगे एंड हेलो का पाथ मिल जाएगा। अगर हमें हेलो को शो कराना है तो जिस तरीके से हम रेल्स के अंदर ईआरबी के अंदर रेल्स रूबी को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज करते थे, उसी तरीके से हम रिएक्ट के लिए भी फॉर्मेट का यूज करेंगे। अगर हमने कोई कंपोनेंट हमारा रेंडर किया है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एरो लगाएंगे एंड देन लास्ट में स्लैश लगा देंगे, तो ये हमारा कंपोनेंट रेंडर होने लगेगा। क्यों होने लगा है? हेलो जी सर। अब यहाँ पे दो चीजें वर्क करती हैं, एक हमारे होते हैं फंक्शन, दूसरे हमारे होते हैं क्लासेस। ये तो हमने क्या बनाया है? फंक्शन। और ये फंक्शन मुझे यहाँ पे मिल कैसे रहा है? ये फंक्शन मैंने बना तो दिया है यहाँ पे हेलो डॉट जेएस का, हेलो का, ठीक है। अब ये मुझे मिल क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ से मैंने क्या करके रखा है, इसको एक्सपोर्ट करके रखा है फंक्शन को। तो अब मैं इसको ऑल ओवर द एप्लीकेशन एसआरसी फाइल के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे एरर आ गई मुझे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंपोर्टेड एज हेलो वाज नॉट फाउंड इन स्लैश हेलो। एरर तो हो रही है। अभी एरर क्यों आ रही है मुझे? क्योंकि यहाँ पे index.js के अंदर मैंने इंपोर्ट कर रखा है हेलो नेम के फंक्शन कंपोनेंट को, बट यहाँ से मैंने इंपोर्ट तो किया है बट मैंने हेलो को क्या नहीं किया? एक्सपोर्ट नहीं किया। अगर जब मैंने एक्सपोर्ट ही नहीं किया हेलो को तो कोई भी फाइल के लिए इंपोर्ट होगा क्या? वो तो यहाँ से अगर मैं ये लाइन कमेंट करूंगा देन मेरी एरर चली जाएगी। एरर किस चीज की थी? कि हमने इंपोर्ट तो कर रखा था यहाँ पे बट फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया था, दैट्स व्हाई वो इंपोर्ट में मिल नहीं रहा था। वो वे में लिख सकते हैं फंक्शन कंपोनेंट को, या तो नॉर्मल फंक्शन में लिख दो या एरो फंक्शन में लिख दो। कौन सा हेलो? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो मिल गया, हेलो जेएसएस। तो जब भी आप फंक्शन बनाओगे, कंपोनेंट बनाओगे, कंपोनेंट के अंदर अगर फंक्शन यूज कर रहे हो या क्लासेस यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उस पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? आपकी एप्लीकेशन में वो किसी भी फाइल के अंदर इंपोर्ट नहीं होगा और आप उसकी फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन था कि सर अगर हम इसको किसी फोल्डर के अंदर बनाते हैं और उसके अंदर कंपोनेंट को रखते हैं, फिर हम उसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? और नॉर्मल हो जाता है एक्सपोर्ट, जैसे होता है वैसे ही होता है, ठीक है। सिर्फ पाथ में चेंजेस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पाथ है स्लैश हेलो का, अगर मैं एक फोल्डर के अंदर डालूंगा तो उसका पाथ मिल जाएगा उसको। इन्हें
ये मेरा इंडेक्स, यहाँ पे मैं H1 देता हूँ, कंपोनेंट इनसाइड, ये आ गया मेरा hello.jsx एंड टेस्ट कंपोनेंट इनसाइड फोल्डर। तो फोल्डर के अंदर भी आप अगर बनाते हो तो नॉर्मली उसका पाथ वो ले लेता है एंड पाथ से वो रेंडर करता है। ये रहा टेस्ट तक का पार्ट, टेस्ट के अंदर जो भी मेरी इंडेक्स फाइल है उसने रेंडर कर लिया। तो फोल्डर के अंदर बनाओगे तो फोल्डर का नाम कैपिटल में लिखना फर्स्ट लेटर, ठीक है, देन index.jsx लिखना। ओके सर, जो फोल्डर का नाम है उसी नेम से फंक्शन बनाना है आपको, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट कर देना है आपको। एक और वे होता है जो उससे भी हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट, अगर हमें एरो फंक्शन बनाना है यहाँ पे तो const test एरो फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, नहीं एज इट इज वर्क करेगा, कर रहा है वर्क? लिल शो हो रहा है सर? मैं अगर मैं फोल्डर के अंदर बना रहा हूं तो कैसे रेंडर कर सकता हूँ? यहाँ तक क्लियर है सर? इसका सर जो आप ये लाते फंक्शन लेके आते हैं इसका शॉर्टकट क्या है? RFC करके ना कुछ लिख। हाँ, आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है, पूरा फंक्शन लिखो, कुछ नहीं करना है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हो ना वैसे ही बनाना है, फंक्शन के एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन का नेम देखो, तो हटाओ, इम्पोर्ट कर लो बस रिएक्ट को। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये फंक्शन बनाया हमने नॉर्मल, सर विजिबल नहीं। विजिबल है? हाँ। तो नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हो जावास्क्रिप्ट में? फंक्शन लिखते हो, देन क्या करते हो, फंक्शन का नेम लिखते हो, टैग ब्रेसेस लगाते हो, ये क्या बन गया मेरा, फंक्शन बन गया। अब रिटर्न में आपको क्या करना है, वो आप स्पेसिफिक करते हो, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जो भी वैल्यू मैं रिटर्न करना चाहूंगा व्हेन ये फंक्शन, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और जो वैल्यूज मैं रिटर्न करना चाहूंगा वो वैल्यूज को मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो अभी मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे एक HTML कोड दे रहा हूँ जो कि मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, div के अंदर एक H2 हेलो टेस्ट। अब इस फंक्शन को क्या करना है, मुझे नॉर्मल फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट का, इस फंक्शन को सिर्फ मुझे एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट के लिए क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, दैट्स इट, हेलो टेस्ट आ गया। क्लियर है कैसे फंक्शन लिख सकता हूँ? यह सर बन जाएगा, ठीक है। अगर एरो फंक्शन लिखोगे तो उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो उसके नेम से लास्ट में जाके, ठीक है। अब क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, जिस तरीके से
हमारा फंक्शन कंपोनेंट वर्क करते हैं, उसी तरीके से हमारे क्लास कंपोनेंट वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं क्लास कंपोनेंट, ये क्लास है, इंडेक्स नेम से इसका नेम चेंज कर देते हैं, टैग लिख देते हैं, यहाँ पे इंडेक्स शो हो रहा है, यस सर। हाँ, तो हम फंक्शन कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, क्लास कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, बट क्लास कंपोनेंट 2019 से पहले यूज करते थे, अब हम हर जगह पे क्या यूज करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो सीखेंगे हम दोनों, क्लास कंपोनेंट भी सीखेंगे और फंक्शन कंपोनेंट भी सीखेंगे, बट एप्लीकेशन के अंदर हम वर्क किसके ऊपर करेंगे, हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर। क्लियर है? यस, ओके सर। ओके सर, हम हुक्स का भी यूज करते थे क्लास की जगह, इसका हुक्स का ओके। हुक्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हुक्स हमें एक लाइफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं जो कि मल्टीपल लाइफ साइकिल्स पे ट्रिगर होते हैं। कॉल बैक पढ़े थे, कॉल बैक थे, मॉडल्स की लाइफ साइकिल पे ट्रिगर होते थे, ठीक है। जैसे मॉडल अगर क्रिएट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, उस पर ट्रिगर, लाइक आफ्टर बिफोर, तो हुक्स भी यही करते हैं, बट वो पेज की लाइफ साइकिल पे वर्क करते हैं। कैसे? जब पेज हमारा रेंडर हो रहा है, तब अगर हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, ठीक है, अगर कुछ वैल्यूज में अपडेट हो रहा है, तब अगर हमें कोई वैल्यूज चाहिए, बटन पे क्लिक हो रहा है, अगर तब हमें कुछ HTML का कोड अपेंड करना है या रेंडर करना है, तो हम इस तरीके से हमारे हुक्स का यूज कर सकते हैं। ओके सर, तो वैसे कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुक्स जो है वो किसका अल्टरनेट, वो क्लास का अल्टरनेट है? नहीं, क्लास में भी रहते हैं, क्लास में भी है, फंक्शन में भी है, दोनों कंपोनेंट्स में मिलेंगे आपको। ओके, अब यहाँ पे एक्सटेंशन देखो, जो मेरा इंडेक्स है उसका एक्सटेंशन .js है, बट जो मैंने कंपोनेंट बनाया है app.js है, इसका एक्सटेंशन अलग है। क्या होता है जैसे, जेएसएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है, हम एक वेरिएबल के अंदर एक एचटीएमएल के कोड को स्टोर कर सकते हैं एंड उसका यूज कर सकते हैं। आ गया यहाँ पे, माय नेम इज पीटर। तो अभी मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया कॉन्स नेम का, उसके अंदर क्या स्टोर करा दिया है, एक HTML टैग को जिसके अंदर वैल्यू है। अगर मुझे कोई भी कॉन्स्ट या वेरिएबल या किसी भी टाइप के वेरिएबल का यूज करना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा मेरे
HTML कोड के बीच में और उस वेरिएबल का नेम लिख दूंगा। तो यहाँ पे मुझे डेटा शो होने लगा, शो रहा है सभी को। अगर मैं इसकी जगह पे इस तरीके से लिखूं एज अ स्ट्रिंग फॉर्म, तो ये आ गया। क्लियर है वेरिएबल का यूज कैसे करूंगा। यहाँ पे मैं एडिशन भी करा सकता हूँ, H2 A+B कौन A=10 कौन B=20। सर ये बार बार आप किसके यहाँ पे सर दिखाई नहीं दे रहा है सर। यहाँ पे आ गया, 30 आ गया, यहाँ पे शो रहा है। ये रहा मेरा कोड जिसके अंदर एक कॉन्स्ट नेम का वेरिएबल है ए, कॉन्स्ट वेरिएबल है वी, इनको हमने ऐड करा दिया A+B करके। फिर इस तरीके से हम रील्स में लिखते थे, अगर हमें वैल्यू को ऐड कराना रहता था इस तरीके से लिखते थे A+B। तो रिएक्ट में कैसे लिखेंगे, ब्रेसेस और जो भी हमारा कोड रहेगा हम उसको लिख देंगे। क्लियर है ये? हाँ यस सर। तो JSX क्या होता है, JSX जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन सिंटैक्स होता है जो कि रिएक्ट को इजीली राइट करने के लिए यूज होता है, HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों को कंबाइन करके। ये रहा हमारा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर एक HTML को स्टोर कर रहे हैं जो कि ना ही स्ट्रिंग है ना ही कोई वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, JSX की हेल्प से। JSX का एक टेम्पलेट लैंग्वेज है, जिस तरीके से हमारी ERV वर्क करती है उसी तरीके से हमारी JSX वर्क करती है। JSX का एक टेम्पलेट लैंग्वेज है जो कि जावास्क्रिप्ट की पावर के साथ हमें सर्व होती है। हम इसमें जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, हम इसमें HTML भी लिख सकते हैं। सो हम इसमें क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एम्बेडिंग एक्सप्रेशन इन JSX, जिस तरीके से हम एम्बेडेड रूबी परफॉर्म करते थे हमारे ERV फाइल के अंदर रूबी का लिख सकते थे कोड, उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी HTML के अंदर। इससे पहले कि आप कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते थे अपने HTML के अंदर डायरेक्ट विदाउट एनी स्क्रिप्ट टैग? नो सर। तो हम इसकी हेल्प से हमारे वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस वेरिएबल्स के अंदर किसी HTML को स्टोर भी कर सकते हैं। किस तरीके से, ये इमेज देखो,
अगर हमें हेलो वर्ल्ड पहले लिखना रहता था तो हम इस तरीके से लिखते थे, नीचे वाली इमेज देखो, const type return react dot create element div null hello world, create element का यूज करते थे डॉक्यूमेंट में जाके, document dot get element by id then dot append का यूज करते थे, then div create करते थे, then उसके अंदर हम html का कोड लिखते थे, बट रिएक्ट में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिटर्न की स्टेट हेल्प से पूरा के पूरा html का कोड रिटर्न कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन से। कैसे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया मैंने फंक्शन भी बना सकता हूँ मैं, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल भी कर सकता हूँ। माय नेम आ गए यहाँ पे फीचर। शो रहा है? यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाया मैंने, मैंने उस फंक्शन को मेरे एचटीएमएल के अंदर ही कॉल कर दिया। नेम, नेम नेम का फंक्शन बनाया मैंने, कॉन्स नेम एरो फंक्शन है, इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। इसकी जो वैल्यू मैं रिटर्न में भेज रहा हूँ वो मुझे किसके अंदर मिल रही है, h1 के अंदर मिल रही है, और एज इट इज मेरे डोम पे प्रिंट हो रही है। सो रहा है? आगे यहाँ पे पीटर इज अ फंक्शन। यस सर। जनमाया JSX क्या होता है? Yes. जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन को HTML के अंदर लिख सकते हैं, फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट को गेट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे रूबी का ERB होता है उसी तरीके से JSX होता है। हम कोई भी लिंक स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर डाल सकते हैं। सभी को गेट हो गया ये कि हमारा रेंडर कैसे यूज हो रहा है? हम ये सारा एक ही फाइल में कैसे दिखा रहे हैं? इंडेक्स डिव रूट इंडेक्स .js जिसके अंदर से हमने root की वैल्यू ली, document.getElementById से एक डोम क्रिएट किया, root.render किया app, सबसे पहला क्या render होगा, हमारा app होगा, then हमारा hello render होगा। so hello के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे app के नीचे आएगी। अब hello के अंदर क्या वैल्यू है देखो, hello के अंदर hello JSX है, तो ये हमारे app की वैल्यू के नीचे आएगी। यहाँ पे hello JSX सबसे नीचे आ रहा है। अगर मैं इसकी प्लेस चेंज कर दूं